हैंडल ढंग से तैयार करेगा वो। ऐसा पका दिया, ये हाथ लगाएंगे ऐसे। कितनों को जो चाहिए वो बनाना पड़ेगा। ये जो पॉटरी आपने आगरा खोली थी। मेरा नाम नरेश कुमार है और मैं यहाँ पाली बाबू के यहाँ काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ पॉटरी में। और यहाँ पे अभी मंदा चल रहा है, अभी जरा काम डाउन है, यही थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अभी जरा काम भी डीरा, पेंटर भी नहीं बैठ रहे हैं इसीलिए। और दिवाली के सीजन में सभी काम ठीक चलते हैं यहाँ पे, लेकिन इस बार अभी मंदा ही है। डिफरेंस है वो इस बात का है कि हमारे यहाँ गैस के रेट अलग हैं और फिरोजाबाद जो कि कांच का उत्पादन करता है, कांच के ग्लासेस बनाता है, कांच से संबंधित सारे उपकरण बनाता है, तो उनके लिए गैस के रेट अलग हैं और हमारे खुर्जा के लिए अलग हैं। ये बड़ा रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न है। तो सर पहले और अब में अगर हम देखें तो क्या तब्दीलियाँ आई हैं? व्यापार दिन ब दिन डाउन होते जा रहा है। व्यापार को जिस प्रकार से जो आज की तारीख में जो नए नए इन्होंने योजनाएं लाए हैं उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, लाभ ना मिलने की स्थिति में व्यापार दिन ब दिन डाउन होते जा रहा है। आज की तारीख में पहले दिवाली जब आती थी तो बहुत अच्छी बिक्री होती थी क्रॉकरी की, गिफ्ट आइटमों की, पर आज की तारीख में बिल्कुल पिट गया है। आज आप देखेंगे पूरी मार्केट खाली पड़ी हुई है। आप खुर्जा की मार्केट देखिए, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, लगता ही नहीं है कि व्यापार चल रहे हैं। तो जो कामगार हैं उनकी भी रोजी रोटी पर फर्क, उनकी रोजी रोटी पर फर्क पड़ा है। अब जैसे किसी फैक्ट्री में फर्ज मानिए 10 आदमी काम कर रहे हैं तो आज उसकी फैक्ट्री में 6 ही आदमी रह गए हैं। किसी फैक्ट्री में 100 आदमी काम कर रहे हैं तो उसकी फैक्ट्री में आज 60 आदमी रह गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब काम कम होगा तो रोजगार भी कम मिलेगा।